हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने वाले हैं फ्रेंच फ्राइज। उससे पहले आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पहले आप पोटैटोस ले लीजिए, अच्छे से वॉश करके अब उसके पील निकाल दीजिएगा और अब छोटे छोटे पीसेस में कट कर लीजिएगा। आप देख सकते हो जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, ये फ्राइज मैंने कट कर दिए है। आप देख सकते हो विदाउट एनी मशीन का यूज़ किए, बगैर ही मैंने हाथ से ही काट दिए हैं नाइफ की मदद से। और इसे हम सॉल्ट ऐड कर देंगे अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, मैंने ऐड कर दिया है। और फिर इसको जब मैं फ्राई करूँगी तब मैं आपको दिखाऊँगी। अगर आपको इसको क्रंची टाइप देखना है तो आप रिफ्रिज इसको कर सकते हैं। फ्रिज में आप इसको 22 हाफ एन आवर रख दीजिएगा, विथ एडेड सॉल्ट आप रख दीजिएगा और फिर आप आराम से सेक दीजिएगा विद इन हाफ एन आवर, तो ये सारे क्रंची रह जाएंगे। पहले आप सब एक पैन ले लीजिए, उसमें आप ऑयल ऐड कर दीजिएगा। मैंने यहाँ पर थोड़ा ऑयल ऐड कर दिया है और ऑयल को अच्छे से हीट होने दीजिएगा, फिर आप डालिएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर मेरी पैन बहुत कम हीट है, इसलिए थोड़ा थोड़े बबल्स ही रख कर आ रहे हैं, इसीलिए आप ज़्यादा हीट में थोड़ा डालिएगा और अच्छे से फ्राई होने दीजिएगा। अगर वो आप देख सकते हो ब्राउन हो रहे तो आप ऐसे चमटा से हिला के और आप पलटा दीजिएगा अच्छे से। और आप देख सकते हो ये रेडी हो चुके हैं, आप निकाल लीजिएगा और दूसरे